पहला क्वेश्चन है अरे बच्चों करे कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन शुड बी यूज टू प्रिपेयर 250 मिलीलीटर ऑफ 2.0 एम HNO3। द कंसंट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3। अब क्वेश्चन क्या है पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको लेना है HNO3 प्लस H2O और ये बनाना है इसको कांस लग कंसंट्रेटेड सोल्यू कंसंट्रेटेड होना चाहिए ठीक है। लैब में रखा रहता है, जो लैब में रखा रहता है वो क्या होता है कॉन्स होता है, डाइल्यूट भी होता है लेकिन कॉन्स की बात कर रहा है। उसको लेकर हमको क्या करना है सोल्यूशन बनाना है, क्या बनाना है प्यारे बच्चों सोल्यूशन, इसी को लेकर सोल्यूशन बनाना है। तो H2O है इसमें और इसको कंसंट्रेटेड HNO3 को लेकर सोल्यूशन बनाना है और जो सोल्यूशन बना रहा है उसमें कह रहा है कि कितना सोल्यूशन बनाना है 250 मिलीलीटर सोल्यूशन बनाना है और जो सोल्यूशन बनकर तैयार होगा उसका मोलरिटी दे दिया है कितना, मोलरिटी दिया है 2.0 एम, एम का मतलब मोलरिटी। पूछा क्या है हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, मतलब ये जो आप लोग जो लैब में रखा रहता है एसिड उसी को पूछ रहे कितना ग्राम जो है उसमें ऐड करोगे कि उसका जो कंसंट्रेशन हो क्या हो 2.0 एम हो, मतलब मोलरिटी उसका 2 आ जाए ठीक। और ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद कुछ जो है डाटा दे दिए इसमें। करे आगे इन द कंसंट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3। अच्छा जो कॉन्स एसिड है उसमें 70% क्या है, केवल HNO3 70% HNO3 और इसी से हम सोल्यूशन बना रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो हम जो कॉन्स एसिड ले रहे हैं कंसंट्रेटेड एसिड ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी क्या है, इसमें कितना क्वांटिटी होगा, कितना क्वांटिटी डालेंगे कि 2.0 एम का सोल्यूशन बन जाए। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि HNO3 का मास पूछ रहा है, HNO3 का मास नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कंसंट्रेटेड एसिड का मास पूछ रहा है, केवल HNO3 का मास नहीं पूछ रहा ठीक है। उसमें HNO3 भी होगा और H2O भी होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कैसे करेंगे हम लोग, जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो HNO3 दिया है पहले, तो HNO3 तो आप लोग जानते हो HNO3 का मोलर मास बताओ, मोलर मास क्या होगा, तो ये हो 63 होता ठीक है, निकाल लेना 60। एच का कितना होगा 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का कितना होगा 48, जोड़ो इसको 8 दो 10 8 चार 12 12 13 8 4 12 12 13 और 4 1 5 1 6 हो जाएगा, तो 63 आ गया। तो HNO3 का मोलर मास क्या होगा 63 होगा। तो ये तो पहले से फॉर्मूला से पता हो जाएगा। उसके बाद जो है मोलरिटी कितना दिया है, अरे बच्चों मोलरिटी कितना दिया है 2.0 एम, मतलब मोलरिटी हो गया। उसके बाद और क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर मिलीलीटर में दिया है यहाँ पर, तो हमको तो लीटर में रखना है 250 मिलीलीटर, तो इसको लीटर में चेंज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, लीटर में रखते हैं यहाँ पर, तो इसको हम लीटर में चेंज कर लेंगे। तो क्या करेंगे पहले, इसका ट्रिक क्या है कैसे निकालेंगे, तो पहले HNO3 का क्वांटिटी निकालेंगे ठीक है, कि जो हम सोल्यूशन बना रहे हैं HNO3 का मास कितना है, तो उसको निकालेंगे ठीक है। तो मास कैसे निकलेगा, तो ये फॉर्मूला से निकलेगा, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो यहां रख देंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या, गिवन मास
आप HNO3, ये तो दिया नहीं है, इसी को तो निकालना है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, मोलर मास होता है, किसका मोलर मास, HNO3 का, पूरे के बट्टे में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, 250 मिलीलीटर अपॉन 1000, ठीक है, रख दो वैल्यू, ठीक है। ये क्या है, मोलरिटी के इक्वल है, मोलरिटी, मोलरिटी इज इक्वल टू दिया है 2, ठीक है, रख देंगे यहाँ पर, आगे वैल्यू रखेंगे, गिवेन मास हमको नहीं पता, उसको निकालना है, W मान लेते हैं, मोलर मास 63 है, और क्या हो जाएगा, 250 मिलीलीटर, ये इसके साथ चला जाएगा, इसके साथ तो 1000 हो जाएगा अपॉन 250 मिलीलीटर, और ये 2 हो जाएगा, 4 कट जाएगा, ये 2 दूना हो गया, ठीक है, 4 हो गया, और उसके बाद ये W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 63 अपॉन 2 आ जाएगा। ये क्या है, HNO3 का मास है, HNO3 का मतलब सल्यूट का मास है। पूछा क्या है, जो कंसंट्रेटेड एसिड है, मतलब H2O HNO3 का मास पूछा, मतलब जो हम कौन से एसिड ले रहे हैं उसी का मास पूछा है, तो ये तो पता नहीं हमको, एक्स मान लें, तो एक्स कितना है, कौन से एसिड की क्वांटिटी कितना है, एक्स है, उसका 70% निकालेंगे तो कितने के इक्वल होगा, HNO3 का जो मास आएगा वो इक्वल होगा, ठीक है, तो ये 63 अपॉन 2 के इक्वल है, तो क्या करेंगे, इसको जो है सॉल्व कर देंगे, परसेंटेज का मतलब, तो 100 से भाग दे देंगे तो ये कटेगा, ठीक है, ये 7 9 जा 63, और उसके बाद जो है ये 2 5 जा हो गया 10। एक्स की वैल्यू निकालना है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 45, ठीक है, 9 5 जा 45, तो कौन सा आंसर सही होगा डियर स्टूडेंट, ये वाला जो ऑप्शन नंबर सी है, ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, आगे कह रहे हैं कि विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई बाय एन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, आइडियल सोल्यूशन के लिए कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आइडियल सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है पहले ये जानना पड़ेगा। आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन ये होना होता है डेल्टा बी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 के इक्वल होना चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम 0 के इक्वल होना चाहिए। चेंज इन वॉल्यूम 0 के इक्वल होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो सल्यूट ले लो और एक सॉल्वेंट ले लो, मान लो एक सल्यूट है एक सॉल्वेंट है, ये सल्यूट हो गया और एक सॉल्वेंट हो गया, ये 2 लीटर ले लो और 3 लीटर ले लो, और दोनों को लेकर इसमें डाल दो और सोल्यूशन बना लो, तो जो सोल्यूशन बनेगा वो कितना बनेगा, 5 लीटर बनेगा। अगर 5 लीटर बन जा रहा है तो ठीक है, ये तो कैसा सोल्यूशन है, आइडियल सोल्यूशन होगा, क्यों, क्योंकि पहले भी 5 था, 2 + 3 जोड़ेंगे तो 5, और डालने के बाद भी क्या हुआ, 5 लीटर बना सोल्यूशन, सोल्यूशन जो वॉल्यूम होगा कितना, 5 लीटर होगा, तो 5 - 5 क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, तो इसी को बोलते हैं चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तभी होगा जब ये सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन होगा, बहुत से सोल्यूशन ऐसे होते हैं 2 2 लीटर और 3 लीटर मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, वो 6 लीटर हो जाएगा, ठीक है, बहुत से सोल्यूशन ऐसे होते हैं 2 लीटर और 3 लीटर मिलाओगे तो क्या हो जाएंगे, 4 लीटर हो जाएंगे, ठीक है, कम हो जाएंगे, तो वो डिपेंड करता है सल्यूट और सॉल्वेंट कैसा है। तो आइडियल सोल्यूशन के लिए कंडीशन, पहला कंडीशन ये है डेल्टा बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, दूसरा कंडीशन ये होता है डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, 0, 0 के इक्वल होना चाहिए, मतलब चेंज इन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं। जैसे आप लोग देखोगे, मान लो शुगर ले लो, शुगर, और शुगर को लेकर पानी में घोल दो H2O में, तो जैसे ही घोलते हो तो ग्लास जो जिस बर्तन में घोलते हो बर्तन क्या होता है, ठंडा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये शुगर के जो मालिक्यूल्स होते हैं या वाटर के मालिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, हीट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो चेंज यहाँ पर क्या होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाता है, चेंज इन एंथैल्पी आ जाता है, एंथैल्पी में क्या हो जाती है, चेंजिंग आ जाती है, तो वो आइडियल सोल्यूशन नहीं होता है। तो ऐसा होना चाहिए कि हम सल्यूट को, सल्यूट या सॉल्वेंट को मिला रहे हैं, आपस में मिला रहे हैं, तो न ही हीट एब्जॉर्ब हो, न ही हीट इमिट हो, न ही इंडोथर्मिक हो, न ही एक्सोथर्मिक हो, ठीक है, तो
उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, ये किसके लिए होता है, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है, डेल्टा एस इक्वल टू जीरो। एक और कंडीशन होता है कि जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा, राउल्ट लॉ मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीनों कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों याद होना चाहिए। राउल्ट लॉ जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, उसका जो बेस क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, देखो आपने लिया सॉल्यूट, दूसरा लिया सॉल्वेंट बी, ठीक है, और उसको मिला दिया ए प्लस बी बन गया, ठीक है, तो सॉल्यूट ए होगा, मान लो बी भी, दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं समझने के लिए, और यहाँ पर भी ए है, यहाँ बी है, तो अगर मिला दोगे तो जो फोर्स होगा, फोर्स बिटवीन ए ए मान लो एफ वन, फोर्स बिटवीन बी बी मान लो एफ टू, कैसा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन बी बी एंड अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए बी एफ ए बी, वो क्या होना चाहिए, तीनों के तीनों इक्वल होना चाहिए, किसके लिए, आइडियल सोल्यूशन के, ठीक है, ये जरूरी है, मस्ट, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका आंसर कौन होगा, डियर स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सॉरी ये डेट बी होगा, ठीक है। ये तो करे कि विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो डेल्टा एस इक्वल टू जीरो के इक्वल नहीं होता, चेंज इन एंट्रोपी जीरो के इक्वल नहीं होता, ठीक है, ये क्या है, गलत है, जीरो के इक्वल नहीं होता, बाकी जो है ठीक है, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एग्जिस्ट, ये राउल्ट लॉ को फॉलो करता है और डेल्टा एस इक्वल टू जीरो होता है। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा इसमें जो है स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तो मैं पीछे बताया हूँ, आंसर बताओ आप लोग, कमेंट करो, चलो देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, डियर स्टूडेंट पहला सही होगा, ठीक है, मैं अभी बताया हूँ तीन कंडीशन, डेल्टा बी इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए, जीरो होना चाहिए, राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या है, जीरो, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे जो है क्वेश्चन है, ये भी एम्स में जो है 2013 में पूछा गया था, चलो हम लोग देख लेते हैं क्या दिया है, डिटेंडेंट दिया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज इतना, कितना दिया है बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया है, किसका दिया है, बेंजीन का, ठीक है, बेंजीन है तो मतलब प्योर बेंजीन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट दे दिया 353.23 केल्विन, ठीक है, जो भी होगा बॉइलिंग पॉइंट इसको हम टी नॉट सी डिनोट करें, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व, जब हम 1.8 ग्राम क्या सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं, किसमें, बेंजीन में, मतलब बेंजीन क्या हो गया, सॉल्वेंट हो, ठीक है, तो सॉल्यूट कितना हो गया, सॉल्यूट कितना है 1.8 ग्राम, करे कि किसमें डिजॉल्व करते हैं, बेंजीन में, और बेंजीन कितना है, सॉल्वेंट कितना है 90 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व किया जाता है, तो सॉल्वेंट हो गया 90 ग्राम, करे कि देन द बॉइलिंग पॉइंट इज राइज, जैसे ही डिजॉल्व किया जाता है सॉल्यूट को तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, कितना बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है, अब सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ केवल बेंजीन, यहाँ पर सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट हमने डाल दिया, सॉल्यूशन बन गया, तो कितना हो गया, ये हो गया 354.11 केल्विन हो गया, ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग टीएस, ठीक है। अब इलवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, कितना हुआ इलवेशन, इलवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो डेल्टा टी होता है, डेल्टा टी इक्वल टू होता है रिएक्टेंट, बड़े में से छोटे माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन टी एस माइनस टी नॉट होता है, टी एस ज्यादा है तो बड़ा में से क्या करते हैं, छोटा को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो यहां से क्या निकल जाएगा, इलवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कर रहे कि ये दे दिया, उसके बाद क्या दिया है, कांस्टेंट की वैल्यू दे दिया है, ठीक है, इलवेशन कांस्टेंट k
केबी कितना है, केबी इज इक्वल टू दिया है 2.53 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है ये दे दिया। ठीक है कह रहे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस, ये केल्विन होगा यहाँ पर, तो मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है यहाँ पर, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ईच, क्या पूछ रहा है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा जो हम सल्यूट डाल रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है, मान लो ए है सल्यूट तो उसका मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है। तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे जान लीजिए कि डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू एम होता है, एम का मतलब मोलैलिटी, ये मोलैलिटी है, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखेंगे डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगा 354.11 माइनस 353.23 इक्वल टू के बी की वैल्यू रख देंगे 2.53 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो गिवन मास, मास तो पता नहीं है, मास भी आया ठीक है 1.8 दिया है ना, बट हमें मोलर मास नहीं पता, मोलर मास निकालना है हम लोगों को, तो मोलर मास हम क्या करेंगे मान लेंगे एम, किसी को निकालना है, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 90 ग्राम है तो केजी में रखेंगे, तो 90 ग्राम केजी करने के लिए क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, तो इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.88। ठीक है इसको इरेज कर रहे हैं, आगे देखते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, चाहे यहाँ लिख दे रहे हैं ठीक है, ऊपर ऊपर देख लीजिए करेगी 0.88 क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, जो भी कट रहा है कटा दीजिए ठीक है, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और एम नीचे चला जाएगा, तो ये 253 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे कटेगा तो, इंटू 1.8 अपॉन 9 इंटू एम हो जाएगा, एम की वैल्यू निकालना है निकाल सकते हैं आप लोग सिंपल, ठीक है तो एम की वैल्यू जो है आएगी कितना आएगी 253 इंटू 1.8 अपॉन 9 इंटू 0.88। ठीक है इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये तो 2 9 18 होता है तो 0.2 हो जाएगा, ये तो कटेगा ये, ठीक है कटा दो और इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, मैं यही कर दे रहा हूँ, ये m इज इक्वल टू हो जाएगा 253, 2 को 0.2 को 2 लिख दो, नीचे जो है 10 हो जाएगा और 8 कर दो, 100 ऊपर कर दो, ये 0 0 कैंसिल कर दो, ठीक है 4 हो जाएगा 4 4 और 11 से कटा दो इसको, सॉरी ये 11 6 44 हो जाएगा और 11 से 11 2 22 और ये 11 3 33 ये हो गया, उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 230/4, तो 230/4 में 230 में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 5 20 और 3 होगा तो 30 हो जाएगा, तो 4 7 28 दो बचेगा, दो पॉइंट लेंगे और 0 कर देंगे तो 4 5 20 हो जाएगा, तो 57.5 आ रहा है। ठीक है तो आंसर में तो दिया नहीं 57.5, तो इसके लगभग इसके आसपास जो भी वैल्यू दिया रहता है उसको मान लेते हैं, ठीक तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है
ग्राम पर मोल। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे कि आप द फॉलोइंग 0.10 m एक्वस सॉल्यूशन विच वन विल बी एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इन डिस्प्रेशन। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो किसी सॉल्वेंट में डालने के बाद डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, जो डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसमें ज़्यादा चेंजिंग है। ठीक है, अतः डेल्टा टी, जो डेल्टा टी एफ होता है डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें ज़्यादा चेंजिंग आए। तो इसके लिए क्या हमको याद करना पड़ेगा, इसके लिए तो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ये किसके इक्वल होता है। ये डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम के इक्वल होता है। वन टाइम फैक्टर लगा देते हैं, ठीक है, तो आई आई भी हो जाता है इसके साथ। तो सीधा सीधा है कि जिसमें या आई की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगा उसके लिए क्या होगा, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा। ठीक है, तो बस क्या करना है, आई की वैल्यू देख लेना है, वन टाइम फैक्टर देख लेना किसके लिए ज्यादा होगा वन टाइम फैक्टर। तो के सी एल के लिए देखेंगे तो के प्लस और सी एल माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए तो दो हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, के सी एल के लिए दो आ जाएगा। ए एल टू एस ओ फोर थ्राइस के लिए क्या हो जाएगा आई की वैल्यू, तो इसके लिए देखेंगे तो एल्यूमिनियम का दो टूटेगा तो क्या हो जाएगा, ए एल थ्री प्लस कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, और एस ओ फोर और माइनस माइनस, और ये इसका तीन मिलेगा। तो टू और थ्री मतलब पांच लोग मिले, ठीक है, दो एन दो कटायन और तीन एन आयन, पांच लोग हो जाएंगे, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाइव हो जाएगा। ठीक है, इसका तो वन ही होगा मान लो, बाकी जो है ये के टू एस ओ फोर, के टू एस ओ फोर क्या हो जाएगा, टू के हो जाएगा, और टू के प्लस और एस ओ फोर माइनस। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा इसके लिए, ये एक है और ये दो, तो आई की वैल्यू इसके लिए तीन हो जाएगा। आई क्या होता है ये भी जान लीजिए, वांटअप ने क्या बताया था, वांटअप ने बताया था कि बेटा जो भी एक्सपेरिमेंटल जो डाटा होता है, एक्सपेरिमेंटल जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है उसमें क्या करते हैं हम, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से भाग दे देते हैं, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से भाग दे देते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट ये होता है। तो क्या करेंगे, रख देंगे यहाँ पर, जैसे मैं कैसे निकाल रहा था आई की वैल्यू, के सी एल के लिए जैसे एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या है, टू आया, और पहले कितना था के सी एल, वन था, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, टू अपॉन वन मतलब टू। उसी तरह से के टू एस ओ फोर के लिए अगर मैंने आप लोगों को निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, के टू एस ओ फोर के लिए आई की वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल डाटा, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट करने पर मतलब के टू एस ओ फोर को पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा, तीन तीन लोग मिलेंगे, तीन कटायन एनायन मिलेंगे, सम ऑफ कटायन और एनायन क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। और पहले कितना है, पहले तो एक ही है, डालने पर तीन हो रहा है, पहले डालने पर तीन और पहले कितना था, एक था नॉर्मल कंडीशन पर, एक था, तो थ्री अपॉन वन मतलब थ्री हो जाएगा। तो इस तरह से आई की वैल्यू निकालते हैं, तो जिसके लिए आई की वैल्यू ज़्यादा होता है वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है डेल्टा टी एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है। ठीक है, या सीधा सीधा आप याद कर लें कि डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा होगा, ठीक है, तो डेल्टा टी ज़्यादा होगा, या सीधा सीधा आप याद कर सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ये हर जगह चारों के लिए होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो भी होता है, एक होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, और एक होता है डिप्रेशन ऑफ, या उसको बोल सकते हैं प्रेशर में कमी, ठीक है, जब प्रेशर में कमी हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है।
या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर नाम देते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ हाइपर प्रेशर या डिप्रेशन ऑफ हाइपर प्रेशर भी, ठीक है, वो भी जो है क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है या नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। आगे चलते हैं हम लोग। करेक्ट द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच इज, या हेनरी कांस्टेंट, अभी इसका आंसर तभी दे सकते हैं जब हेनरी कांस्टेंट के बारे में जानते हो। तो हेनरी ने जो ला दिया था वो क्या दिया था, पहले ये जान लीजिए। उन्होंने बताया था कि कोई गैस ले लो, दो प्रकार के मिक्सर ले लिया, मतलब गैस का मिक्सर ले लिया, ठीक है, ए और बी हो गया, और यहाँ H2O में दोनों को मिलाना है। अब दोनों जाएंगे, दोनों में आपस में तो कंपटीशन हो रहा है, मैं जाऊँगा H2O में, मैं जाऊँगा, ठीक है, घुलेंगे जाकर, ठीक है। तो ए जब घुलेगा तो ए की कुछ कुछ क्वांटिटी होगी, तो उसको मोल फ्रैक्शन से डिनोट करते हैं एक्स ए। बी जब घुलेगा तो उसको एक्स बी से डिनोट करेंगे, जितना भी कंसंट्रेशन होगा, इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी यहाँ पे, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए, सॉल्युबिलिटी ऑफ बी, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए किस पर डिपेंड करता है और यह कैसे जो है केएस से जो है रिलेटेड होता है, कैसे जुड़ा होता है, दोनों में क्या रिलेशन होता है, ये हम लोग सीखे। हेनरी ने बताया था कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है, जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है एक्स से, वो किस पर डिपेंड करता है, वो प्रेशर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ए का प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर ए का प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो ए ज़्यादा घुलेगा, अगर बी का प्रेशर ज़्यादा हो तो बी ज़्यादा घुलेगा। एक्स ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, तो उन्होंने एक्स इज इक्वल टू क्या किया था, के इंटू पी कर दिया था, और आगे चल के जो है उन्होंने पी इज इक्वल टू क्या कर दिया, वन अपान के किया इंटू एक्स ए कर दिया, और वन अपान के को उन्होंने क्या किया, घुमा दिया, ठीक है। कैसे घुमाया मैं बता रहा हूँ, देखो वन अपान के को उन्होंने कॉन्स्टेंट बोल दिया, के एच नाम दे दिया, ठीक है, ए हेनरी कॉन्स्टेंट है, तो के एच इज इक्वल टू क्या, यहाँ पर पी इज इक्वल टू क्या हो गया, के एच इंटू एक्स ए, ठीक है। तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी अपान के एच, ठीक है। तो क्या है रिलेशन एक्स ए और के एच में, वो इनवर्सली रिलेशन है, ठीक है, के एच है। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो, घटेगा, ठीक है। अगर एक्स ए बढ़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि के एच क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर एक्स ए कम हो रहा है इसका मतलब के एच क्या होगा, ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, कौन सा यहाँ पर आंसर सही होगा, अब आप लोग बता सकते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, चलो। तो ग्रेटर फॉर द गैसेज विथ लोअर सॉल्युबिलिटी, ठीक, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, टे ग्रेटर होगा, कब ग्रेटर होगा, गैसेज विथ लोअर सॉल्युबिलिटी, जब सॉल्युबिलिटी कम होगा, ठीक है, तो के एच की वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, तो बी वाला ऑप्शन सही है। एम्स जो है 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, क्यों पूछा गया, क्योंकि कंफ्यूजन वाला है, ठीक है, इसलिए जो है ये पूछा गया था। तो मुझे ऐसा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं हम लोग। अरे विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स हैज द सेम वैल्यू ऑफ वांटा फैक्टर आई इक्वल टू डायरेक्ट ऑफ इतना, एक Al2SO4 थ्राइस दे दिया। अब इसके लिए आई की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। अब कह रहे हैं कि जितना भी इसके लिए आई की वैल्यू है इसी के इक्वल इस चारों में से किसका होगा, ठीक है, किस कंपाउंड का जो आई की वैल्यू Al2SO4 3 के लिए जो आई की वैल्यू होगा वो सेम होगा। पूछ रहा है किसके लिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले Al2SO4 के लिए आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब हम Al2SO4 को H2O मान लो वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होगा तो क्या मिलेगा, एल्युमिनियम का कितने लोग मिलेंगे, दो लोग एल्युमिनियम के लोग मिलेंगे, Al3+ हो जाएगा, ठीक है, या +3 बोल दो। उसके बाद जो है SO4 के कितने लोग मिलेंगे, थ्राइस है तो 3 लोग मिलेंगे, ठीक है, 3 लोग SO4 के मिलेंगे, 2 माइनस होता है यहाँ पर, तो कितने टोटल कितने मिले, 5 लोग, ठीक है, 2+3 मतलब 5 लोग,
तो आई की वैल्यू क्या हो जाता है, तो अवांटा ने क्या बताया था कि एक्सपेरिमेंटल ऊपर रखना है और नॉर्मल नीचे रखना है। तो एक्सपेरिमेंटल कितना है, 5 आया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखे हमने 5, और नॉर्मल कंडीशन में क्या है, एक ही तो है Al2SO4 थ्राइस, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे देखेंगे, बाकी जो है सभी के लिए निकाल लेंगे। यहाँ पर AlNO3 के लिए क्या हो जाएगा, देखो ये 4 हो जाएगा, करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 इसका और 1 इसका। K4 Fe CN6 आइस, इसके लिए क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये टूटता है ऐसे, ये K4 अलग होगा तो 4K लोग, मतलब 4K 4 लोग K के मिलेंगे, ठीक है। और Fe CN6 आइस ये अलग ही होता है, एक Fe CN6 आइस एक अलग मिलता है, ठीक है, 4 माइनस होता है, तो एक ये और 4 लोग इसके, कितने हो गए टोटल, 5 लोग। तो आई की वैल्यू क्या हो गया इसके लिए, 5 हो गया। सेम पूछा था ना, देखो Al2SO4 थ्राइस के लिए क्या हो गया, 5 था, और इसके लिए भी कितना आ गया, 5 हो गया। तो आंसर कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, AIPMT में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं, करें विच ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा जो है 0 के इक्वल नहीं होता है। तो मैं तो बताया हूं अभी पीछे, आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, डेल्टा बी इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 होता है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, जो राउट आपको फॉलो करता है, ठीक है। तो देखो डेल्टा बी इज इक्वल टू तो 0 होगा ही होगा, 0 होगा, डेल्टा एच इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद जो है ये क्या होगा, डेल्टा बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, डेल्टा बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्व आउट राउट दोनों से जो आता है वो क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन होगा तो सेम ही आएगा। तो ये तीनों तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये भी 0 के इक्वल होना चाहिए। आगे कह रहा है डी, डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, मैं पीछे बताया था अभी, डेल्टा एस डिल नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है, कभी एंट्रॉपी 0 नहीं हो सकती, ठीक है, जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो एंट्रॉपी 0 नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। यही पूछा था कि देम इज नॉट इक्वल टू 0, कौन सा 0 के इक्वल नहीं होगा, तो एंट्रॉपी जो इक्वल की चेंज इन एंट्रॉपी जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये हो गया। आगे जो है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1.00 m एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, वो पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है किसका, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन के लिए क्या क्या चाहिए हमको, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए अपान, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, तो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, H2O होगा, ठीक है, सॉल्वेंट क्या होगा, H2O होना चाहिए, तभी एक्वस बोलते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपान नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। अगर ये पता चल जाए कहीं से तो क्या कर सकते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा, तो मान लेंगे जब कुछ नहीं दिया है, बस दिया क्या है 1.00 m दे दिया, छोटा सा स्मॉल m दे दिया और कुछ नहीं दिया। m का मतलब क्या है, मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन kg। तो हम मान लेंगे कि वाटर कितना है, वाटर हम कितना लिए, 1 kg लिए, ठीक है, वाटर जो है 1 kg लिए, मान लो क्या करना है, सोल्यूशन ही तो बनाना है सॉल्यूट को डाल, ठीक है, तो सॉल्यूट इसमें डालेंगे सॉल्यूशन बनेगा, उसी का पूछ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, जितना मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन पूछ रहा है। तो
हमने किया क्या लिया, वाटर लिया और कितना लिया, 1 kg ले लिया, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे, देखो जो दिया है उसको मोलैलिटी कितना दिया, 1। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हमको नहीं पता है तो हम वैसे रख देंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg हमने ले लिया है, सॉल्वेंट कितना है 1 kg, वाटर कितना है 1 kg। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 1। यहाँ पर रख दोगे, ठीक है। अब सॉल्वेंट का भी निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा ये भी निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ये निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट का मतलब गिवन मास, गिवन मास किसका, H2O का, ठीक है, बटे में मोलर मास, मोलर मास। तो क्या करेंगे, रख देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा रेजिस्टेंट, ये हो जाएगा। गिवन मास कितना है, 1 kg है, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, ग्राम में रखेंगे, ठीक है। मोलर मास ग्राम में होता है इसलिए ग्राम में रखेंगे, और मोलर मास H2O का कितना होता है, 18 होता है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 55.5%। तो दोनों का सॉल्यूट का भी मोल पता चल गया, सॉल्वेंट का भी मोल पता चल गया, नंबर ऑफ मोल रख देंगे क्वेश्चन में, ठीक है, इक्वेशन में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेक्स्ट, सल्यूट नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट कितना है, 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट 55.5। तो इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 56.5 हो जाएगा, ठीक है, 56.5। तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये 10 हो जाएगा और ये 565 हो जाएगा, ठीक है। अब करेंगे इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो जो आंसर आएगा डियर स्टूडेंट वो सी आएगा, सी वाला ऑप्शन सही है, इसमें करके देख लीजिए, ठीक है, सी सही होगा, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे आप लोग तो नहीं आएगा, डिवाइड कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एट, ठीक है, 273 केल्विन व्हेन 10 ग्राम ग्लूकोज 10 ग्राम यूरिया एंड 10 ग्राम सुक्रोज आर डिजॉल्व इन 250 मिलीलीटर ऑफ H2O, ठीक है। कह रहे कि 250 मिलीलीटर H2O लेकर, H2O लिया गया और 3 लोगों को घोलना जा रहा उसमें, ठीक है। तो पहले हमने घोल दिया क्या, मान लो ग्लूकोज घोल दिए, ग्लूकोज जी, तो जी का जो प्रेशर दिया है वो P1 दिया है, ठीक है। तो जो भी होगा इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, जब हमने ग्लूकोज घोला और उसके वजह से जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, P इक्वल टू क्या होता है, ICRT होता है, ठीक है। तो जो भी होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लग देंगे P इक्वल टू ICRT। तो आप लोग जो है जानते हो C क्या है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का मतलब मोलरिटी, मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मैं रख दे रहा हूं यहां पर I इंटू मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट रखेंगे यहां पर, वैल्यू रखेंगे तो गिवन मास होता है बटे में मोलर मास, ठीक है, मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, तो इंटू आई, ठीक है, आई हो गया और उसके बाद जो है वी हो गया, ठीक है, आई हो गया आरटी, तो ये तो कंसंट्रेशन हो गया और ये आई हो गया और ये आर और ये टी। तो एम क्या होगा, एम नीचे चला गया, एम का मतलब यहां से मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि एम पी इक्वल टू क्या होगा, पी और एम में क्या रिलेशन आया, इनवर्सल रिलेशन होता है। एम क्या है, ये है मोलर मास, ठीक है। तो यहां से ये कंक्लूजन निकला कि एम मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो दोनों में रिलेशन कैसा होता है, इनवर्सल रिलेशन होता है। इनवर्सल रिलेशन का मतलब ये हुआ कि एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अगर एम बढ़ेगा तो पी क्या होगा, घटेगा,
ठीक है। अगर m कम होगा, मोलर मास कम होगा सॉल्यूट का, इसका मतलब p क्या होगा? ज्यादा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे हमको जो है, अब आप लोग जो है आंसर निकाल सकते हो। क्या करना है, केवल मोलर मास निकाल लेना है, किसका मोलर मास ज्यादा हो किसका कम होगा। तो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का जो है मोलर मास निकाल लेना। ठीक है, ग्लूकोज का क्या हो जाता है मोलर मास, देखो C6H12O6, तो इसका मोलर मास निकालो क्या हो जाएगा, 12 होता है कार्बन का, 12 सिक्स जा जो भी आएगा लिख देना। उसके बाद हाइड्रोजन का एक होता है तो 12 × 1 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 × 6, तो ये हो जाएगा 72 + 12 और ये 96। तो इसको ऐड करेंगे, 6 2 8 2 10 9 10 7 70 1 18, तो 180 आ गया। उसी तरह से निकाल लेंगे, यूरिया का निकाल लीजिए, NH2CO का निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसका जो है मास निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे, क्या हो जाएगा, देखो नाइट्रोजन कितना है 2, तो इसका तो 28 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 4, तो ये 4 हो जाएगा, और कार्बन कितना है 1 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना है 1, तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ दो, 6 2 8 4 12 और 12 8 20। ठीक है, उसके बाद 1 2 2 4 4 और 2 6, ठीक है, 60 आ गया। ठीक है, NH2CO2 का मोलर मास 60 होता है। सुक्रोज का निकाल लो, सुक्रोज का मतलब C12H22 और O11। ठीक है, इसका निकालोगे तो सबसे ज़्यादा आएगा 12। ठीक है, 12 144 हो जाएगा कार्बन का, और उसके बाद जो है हाइड्रोजन का 22 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, भाग दे दो, ऑक्सीजन कितना है 11 है। ठीक है, तो भाग नहीं मतलब 11 × क्या हो जाएगा 16, तो 16 हो गया, 6 7 और ये, ठीक है, तो 176 हो जाएगा। जोड़ोगे तो 6 4 10 2 12 और 6 4 10 2 12 और ये हो जाएगा 4 2 6 6 2 7 13 13 और 1 14, तो 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 342 आ गया, मतलब सबसे ज़्यादा आ गया। ठीक है, तो इसका हम मान रहे हैं M3, और ग्लूकोज का मान रहे हैं M1, और NH2CO2 का मान रहे हैं M2। ठीक है, तो यहाँ जो है जो भी मास दिया है उसको लिख देंगे वैसे। ठीक है, जिसका ज़्यादा होगा पहले लिखेंगे, M3 इज ग्रेटर देन, उसके बाद किसका है, ग्लूकोज का है तो M1 हो जाएगा, उसके बाद किसका है, सबसे कम जो है यूरिया का है तो M2 लिख देंगे। ठीक है, इसका जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, इसका जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा, P1 P2 में रिलेशन हो जाएगा, यहाँ P3 लिखेंगे, यहाँ P1 लिखेंगे और यहाँ P2 लिख देंगे, और साइन को क्या करेंगे यहाँ पर अपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो P2 इज ग्रेटर देन P1 इज ग्रेटर देन P3। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, तो किसमें एग्जिस्ट कर रहा है, P2 ज़्यादा है, देखो सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, P2 इज ग्रेटर देन P1 इज ग्रेटर देन P3। तो AIPMT में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इतना अगला क्वेश्चन क्या है, तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं बता दूंगा, दोबारा बता दूंगा आपको। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।